नौ ब्लॉक सभागार में शैक्षिक संगोष्ठी का हुआ आयोजन। विद्यालय के समय कोई भी बॉस बॉय कार्यालय में नहीं बैठेगा। महिला शिक्षिकाएं बुनते मिली स्वेटर होगी उन पर कार्यवाही, ऐसा कहा बीएसए ने। शैक्षिक सत्र में सीएम योगी कर सकते हैं निरीक्षण। स्कूल चलो अभियान रैली पर दिया गया जोर। वीडियो कॉल करके हकीकत जांचेगा शासन। बृहस्पतिवार को ब्लॉक सभागार में उन्नाव बेसिक शिक्षा अधिकारी बी के शर्मा ने ब्लॉक के अंतर्गत समस्त प्रधान शिक्षकों, स्कूल प्रभारियों और खंड विकास अधिकारियों के साथ शैक्षिक गोष्ठी में भाग लिया। गर्मियों की छुट्टी के बाद स्कूल खुलने पर सभी को शासन की मंशा अनुसार काम कर बेहतर परिणाम देने की बात कही। वहीं शासन द्वारा निर्देशित बिंदुओं के दिशा निर्देश का प्रत्येक दशा में अनुपालन करने हेतु कड़े निर्देश भी दिए गए। वहीं बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ विद्यालय परिवेश भी उत्तम बनाने को कहा गया। नामकरण वृद्धि, परिसर की साफ सफाई, शौचालय व्यवस्था दुरुस्त करने, अभिलेखों का राख रखाव सहित किताबें चुस्त दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया। विद्यालय परिसर की साफ सफाई के साथ ही विद्यालय के शौचालय भी साफ और क्रियाशील होने चाहिए। विद्यालय के अभिलेख दुरुस्त कर ले। बीएसए ने विद्यालय देर से आने वाले तथा समय से पहले विद्यालय छोड़कर घर जाने वाले शिक्षकों को सुधरने की नसीहत देते हुए समय से विद्यालय आने का निर्देश दिया। उन्होंने साफ तौर पर निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी शिक्षक विद्यालय समय में खंड शिक्षा अधिकारी या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय नहीं जाएगा। बीएसए ने 1 जुलाई से पहले ही पेयजल अथवा विद्यालय संबंधित अन्य व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। विद्यालय के समस्त शिक्षकों की फोटो युक्त पहचान और उनके विवरण लिखी होल्डिंग स्कूल में अवश्य लगवाने के निर्देश भी दिए गए।